सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, आफ्टर एक्सरसाइज सिक्स थे, वी विल डू एक्सरसाइज सिक्स बी। एक्सरसाइज सिक्स बी वी विल डू, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन हैज़ टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो वी विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 54 एंड 81 विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। स्टूडेंट हमें इस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो डिवाइड हो 54 और 81 उससे डिवाइड हो विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर, और बिना रिमाइंडर को छोड़े हुए, यानी रिमाइंडर कुछ ना बचे। तो इट मींस हमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए हमें यहाँ एस सी एफ निकालना होगा। तो इन नोटबुक वी विल राइट सिक्स बी एज हेडिंग एंड अंडरलाइन दिस हेडिंग। देन वी विल राइट द क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 54 एंड 81 विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 54 एंड 81 एग्जैक्टली इट दे आर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और एस सी एफ। इट मीन्स हमें एस सी एफ निकालना होगा 54 और 81 का। सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 54। सो इट विल बी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन वी विल फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 81। सो इट विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो रिक्वायर एस सी एफ, यहाँ से हम कॉमन फैक्टर्स लेंगे। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 को छोड़ देंगे। 3 इसमें है, यानी 3 टाइम 3 इसमें है और 3 टाइम 3 इसमें भी है। तो हम 3 टाइम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 27। सो 27 विल बी द एस सी एफ। सो 27 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 54 एंड 81 एग्जैक्टली। दिस इज़ द आंसर। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू पार्ट बी। पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर वन इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 33, 44 एंड 66 एग्जैक्टली। सो हेयर इन दिस क्वेश्चन वी विल डू ऑल्सो इन दिस क्वेश्चन एस सी एफ। सो वी विल राइट क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 33, 44 एंड 66 एग्जैक्टली। सो फर्स्ट वी विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 33। सो इट विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 11। नाउ वी विल फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 44। सो इट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 11 एंड देन 66। सो इट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 11। हेयर वी विल राइट रिक्वायर एस सी एफ इज, अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हम 3 को नहीं लेंगे। 11 तीनों में है तो हम 11 को लेंगे। सो एस सी एफ इज़ 11। सो 11 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 33, 44 एंड 66 एग्जैक्टली। सो वो नंबर जो होगा वो 11 होगा जो डिवाइड करेगा 44, 66 और 33 को एग्जैक्टली। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेल स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू इज़, क्वेश्चन नंबर टू ऑल्सो हैज़ टू पार्ट्स ए एंड बी। सो वी विल डू फर्स्ट पार्ट ए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 33 एंड 45 लीविंग 3 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस। यहाँ स्टूडेंट्स हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो डिवाइड करे 33 और 45 को लीविंग 3 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस, और 3 उसमें रिमाइंडर बचे ईच केस में। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमें 33 और 45 में से 3 माइनस करना होगा, यानी 33 में से भी 3 माइनस करना होगा, 45 में से भी 3 माइनस करना होगा। देन जो नंबर्स आएंगे हमारे पास उनका हमें एस सी एफ निकालना होगा। सो दैट विल बी द आंसर। सो इन नोटबुक वी विल राइट द क्वेश्चन नंबर टू ए। सो वी विल राइट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 33 एंड 45 लीविंग 3 एज रिमाइंडर इन ईच केस। सो 33 डिवाइड बाय द नंबर लीव्स 3 एज रिमाइंडर। सो द नंबर डिवाइडेड 33 माइनस 3 इक्वल्स टू 30 एग्जैक्टली। नाउ 45 डिवाइडेड बाय द नंबर लीव्स 3 एज अ रिमाइंडर। सो द नंबर डिवाइडेड 45 माइनस 3 इक्वल्स टू 42 एग्जैक्टली। सो द न्यू नंबर्स
will be 30 and 42. Now we will find out the SCF of 30 and 42. So first we will find the factors of 30. So it will be 2 multiplied 3 multiplied by 5, and then we will find the factors of 42. So it will be 2 multiplied by 3 multiplied by 7. So the SCF of 30 and 42 is 2 दोनों में कॉमन है तो 2 को लेंगे हम, देन 3 दोनों में कॉमन है 3 को लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 6. सो द आंसर विल बी, हेयर वी विल राइट, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 6. नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 51 एंड 79 विद 9 एज रिमाइंडर इन बोथ केसेस. सो दिस क्वेश्चन इज सेम एज क्वेश्चन नंबर ए, सो यू विल do part B of question 2, question you will do yourself. Now question number 3, find the biggest number that divides 47, 77, 89, leaving the remainder 5 in each case. This question also be same, so you will do easily, you will do yourself. यहाँ भी students हमें SCF निकालना है, biggest number बताना है जो कि divide करे 47, 77 और 89 को, और रिमाइंडर उसमें बचे 5 ईच केस में, तो सभी नंबर्स में से हमें 5 माइनस करना होगा. देन जो न्यू नंबर्स आएंगे हमारे पास 5 माइनस करने के बाद तीनों नंबर्स में से, उनका हमें SCF निकालना होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हैज़ 2 पार्ट्स, सो वी विल डू फर्स्ट पार्ट ए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 27, 41 एंड 50 लीविंग 3, 5 एंड 2 रेस्पेक्टिवली एज रिमाइंडर. सो स्टूडेंट्स हमें यहाँ भी SCF निकालना होगा, हमें 27, 41 और 50 में से माइनस करना होगा 3, 5 और 2 रेस्पेक्टिवली, यानी 27 में से हमें 3 माइनस करना होगा, 41 में से हमें 5 माइनस करना होगा और 50 में से 2 माइनस करना होगा, और जो न्यू नंबर्स आएंगे हमें उनका SCF निकालना होगा. सो इन नोटबुक क्वेश्चन नंबर 4A, सो वी विल सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 27, 24, 5 फ्रॉम 41, 36, 2 फ्रॉम 50 इक्वल्स टू 48. सो द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड्स 24, 36 एंड 48 इज देयर SCF. नाउ वी विल फाइंड आउट द SCF, देयर SCF. सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 24. सो इट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3. नाउ 36, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3. नाउ 48, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3. नाउ वी विल राइट द SCF ऑफ 24, 36 एंड 48 इज 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इट मीन्स 12. सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 12. नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 57, 133, 384, लीविंग 7, 8, 9 respectively as remainder. So same as question A, you will do yourself question B of question 4. Now students, in my next video we will do the remaining question of this exercise. Thank you.